टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन, मैं हूं श्यामजीत कुशवाहा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वीडियो क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा। आप खान सर को तो जानते ही होंगे, पटना के खान सर जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। खान सर तमाम युवाओं की दिलों की धड़कन बन चुके हैं, जिन्हें न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के युवा उन्हें पसंद करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं एवं उनके बताए गए बात पर अमल करते हैं। उसी का नतीजा है कि खान सर लगातार छात्रों के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रहे हैं। कई दिनों से लगातार खान सर सुर्खियों बटोर रहे हैं और उनका अनेकों वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। खान सर कपिल शर्मा शो पर पहुंचे हैं, जहां एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। क्या कुछ है इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो की कहानी कपिल शर्मा शो से शुरू हो रही है। आपको बता दूं कि कपिल शर्मा शो मनोरंजन के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन जब खान सर कपिल शर्मा शो में पहुंचते हैं तो ऐसा क्या हुआ कि वहां बैठे सभी श्रोता के आंखों में पानी आ जाता है, सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। खान सर आगे कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी होता है, जिसका सभी शिक्षण संस्थानों में 2 से 2.5 लाख रुपए फी होता है। खान सर आगे कहते हैं कि वही फी मेरे कोचिंग में बस 7500 रुपए है। फिर खान सर आगे कहते हैं कि शायद आपको लगता होगा कि 7500 रुपए बहुत कम है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक लड़की मेरे पास आती है और वो कहती है कि सर आप शाम का बैच सुबह कर दीजिए, क्योंकि खान सर कहते हैं कि यह तो संभव नहीं है, क्योंकि सबके इंडिविजुअल से बैच ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता। तो लड़की बताती है कि तब मैं नहीं आ पाऊंगी। जब खान सर उस लड़की से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, तब लड़की बोलती है कि मुझे शाम को किसी दूसरे के घर बर्तन मांजने जाना पड़ता है। खान सर फिर आगे कहते हैं कि एक लड़का नदी से बालू निकालकर उसे बेचकर मेरे पास कोचिंग की फी लेकर आ गया। जब मैं उसके बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि मैं नदी से बालू निकालकर किनारे रखता हूँ और जो इसके एवज में पैसा मिलता है मैं उसी से फी जमा करता हूँ। यह बात जानने के बाद मेरा हाथ कांप गया। यह बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू भर जाता है। यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो।